दोस्तों, ये है नोकिया का सबसे रेयर फ़ोन। रेयर इसलिए क्योंकि नोकिया ने बहुत ही कम ब्लू डिस्प्ले वाले फ़ोन बनाए थे, और जिसमें से ये एक है नोकिया 8250। दोस्तों, अगर पुराने नोकिया फ़ोन्स का अगर आप लाइनअप देखोगे तो नोकिया 8 सीरीज़ के फ़ोन प्रीमियम माने जाते थे, और उतना ही प्रीमियम ये फ़ोन है क्योंकि इसकी प्राइस थी करीब 20 से 25 हज़ार रुपये। दोस्तों, ये फ़ोन आज से 23 साल पहले, साल 2000 में आया था, और इसमें कुछ कूल फीचर्स हैं। जैसे देखिए, साइड में वॉल्यूम बटन दिया हुआ है, यहाँ इंफ्रारेड दिया हुआ है, और कंपोजर पिक्चर मैसेजिंग जैसे अन्य फीचर्स भी हैं। चलिए इसके रिंगटोन्स चेक करते हैं। दोस्तों, इसमें गेम्स काफ़ी दिए हुए हैं, जैसे कि मेमोरी, स्नेक, लॉजिक और अपोजिट। और इसकी एक ख़ास बात है, आप इसमें मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हैं। जैसे स्नेक में अगर आप 2 प्लेयर ओपन करेंगे तो यहाँ से इंफ्रारेड चालू हो जाएगा, जो कि ऐसा ही कोई डिवाइस आसपास सर्च करेगा और आप उसमें मल्टीप्लेयर खेल सकते हैं। ये यहाँ इसका इंफ्रारेड है, और उसमें 2 स्नेक आएंगे। और दोस्तों, इसमें स्नेक 1 है जिसकी मुंडी नहीं हुआ करती थी, और ये इसी बॉक्स के अंदर ही घूमता था। अगर आप इसे बॉक्स के बाहर ले जाना चाहेंगे तो ये गेम ओवर कर देगा। वहीं स्नेक 2 में स्नेक आर पार भी जा सकता था। इसके फैमिली के 2 फ़ोन्स और भी हैं, नोकिया 8210 और 8310, जिसका वीडियो मैं जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप अपने सुझाव नीचे कमेंट्स में बताइए, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।